students of 10th class and their parents. Today we are going to start with the 10th class science with the first chapter. तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा कि हम वीडियो क्लासेस किस तरीके से लेंगे आपकी और कैसे और कब तक ली जाएंगी। ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम जब तक रहेगी तो लॉकडाउन रहेगा और लॉकडाउन के दौरान हम आपको हर रोज एक वीडियो अपलोड करेंगे रिगार्डिंग योर साइंस चैप्टर्स। लाइक आज हम जो पहला लेक्चर प्लान लिख के रखा हुआ है आपके सामने, ये लेक्चर प्लान हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। एक्चुअली हमारी जो साइंस है 10th क्लास की, दैट कंटेन्स एक्चुअली थ्री सब्जेक्ट्स इन इटसेल्फ। फर्स्ट वन इज फिजिक्स, सेकेंड केमिस्ट्री एंड थर्ड इज बायो। तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और एनसीईआरटी का भी फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले मैं आपको थोड़े बेसिक बताना चाहूंगा कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। आज आपके सामने एक लेक्चर प्लान लिख के रखा गया है। इस लेक्चर प्लान में हर एक लेक्चर एक वीडियो है। हम इन वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे और आप इन वीडियोस को देखेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे। एक स्पेशल बात, आप इन लेक्चर का जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो प्लीज चेंज ना करें। जैसे लेक्चर वन है तो आप पहले फर्स्ट देखेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। कभी भी ऐसा ना करें कि आप सीधा ही फोर्थ लेक्चर पे आ गए और शुरू के लेक्चर देखे ही नहीं। उसमें कंसेप्ट अच्छा बिल्डअप नहीं हो पाता, समझ आ जाएगा क्योंकि ये 10th क्लास है। इवन ये हायर क्लासेज होती तो मैं बिल्कुल मना करता हूं कहीं से भी शुरू करने से ले, आपको कहीं से भी समझ आ जाएगा ये। बट फिर भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बनाने के लिए अपने चैप्टर का आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे प्लीज। फिर हम क्या करेंगे, हर वीडियो से रिलेटेड आपको डिटेल्स देंगे। उन वीडियो के अंदर क्या है कंटेंट वो आपको यहां समझाया जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज जैसे ही हमारी नॉर्मल क्लासरूम पैटर्न स्टार्ट करेंगे हम, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब हम एक क्विक रिविजन में आपको ये चैप्टर्स करा सकते हैं, तब आप जितनी प्रॉब्लम्स हैं पूछ सकते हैं। सो आई होप आप इस लेक्चर प्लान को फॉलो करेंगे और अपने फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से करेंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपके साथ आपका सिद्धार्थ पाठक साइंस का टीचर फ्रॉम शिवालिक एकेडमी हमेशा रहूंगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि लेक्चर्स में क्या क्या है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिकली केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, और एक एक्टिविटी हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक्टिविटी आप देखिए 1.1 के बाद 1.3 आ गई, वेयर इज 1.2, वो हम करेंगे इन बिटवीन। जहां पे उससे रिलेटेड रिएक्शंस आएंगे मैं आपको वहां कराऊंगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल इक्वेशंस। एक्चुअल में हमारा चैप्टर दो पार्ट्स है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो 90% चैप्टर तो केमिकल रिएक्शंस पे है, ओनली 10% इज केमिकल इक्वेशंस, वो इतने में ही खत्म हो जाता है। फिर बचा हुआ पूरा चैप्टर हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में है। वी हैव 5 रिएक्शंस इन आवर कोर्स, 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन, जो हम लेक्चर 5 में ही कवर कर लेंगे। फिर 6 में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में उन्होंने एनसीईआरटी ने 5 रिएक्शन दिए हैं और हर रिएक्शन को समझाने में काफी टाइम लगता है, तभी हम इनको दो पार्ट में लेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन 1 एंड 2। आफ्टर दैट लेक्चर 8 में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दोनों अलग अलग टाइप के रिएक्शन है लेकिन एक वीडियो में आराम से आ सकते हैं, हम आपके लिए बनाएंगे। लास्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये थोड़ी टेक्निकल है लेकिन एक वीडियो में हो जाएगी। एंड फिर ये जो ऑक्सीडेशन नाम का टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये हमारी नॉर्मल लाइफ में कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, उससे रिलेटेड हमारी एनसीईआरटी ने दो पॉइंट्स कवर किए हैं। फर्स्ट वन इज कोरोजन, जो हम यही कवर करेंगे, और सेकेंड इज रेंसिडिटी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आफ्टर दिस हम एक पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, एक अलग वीडियो बनेगी इसके बाद जो मैंने यहां नहीं लिखी। अब हर वीडियो में क्या होगा, जैसे मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा आपके साथ, तो लेक्चर स्टार्टिंग में मैं आपको एक इंडिकेशन दूंगा कि पूरे लेक्चर को सुनना है आपने। मैं लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, वो 5 क्वेश्चन अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो मतलब यू आर रियली वेरी अटेंटिव, आप सीखना चाह रहे हैं। और अगर आप 5 आंसर नहीं दे पाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एकदम से वापस जाइए वीडियो में, चेक दी आंसर, क्योंकि वीडियो में ही सारे आंसर्स मिलने वाले हैं आपको। तो अब मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको लग रहा होगा
कि कोरोना की वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुन बेटा, ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ये टाइम यूटिलाइज किया जा सकता है अच्छे तरीके से। आप घर बैठ के पढ़िए, मेरी वीडियोस आए, आपके पूरे हेल्प करने की कोशिश मैं कर पा रहा हूँ और कोशिश है मेरी तरफ से। फिर भी कोई कमी है तो आप प्लीज मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे अगली वीडियोज में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस आप दिन रात लग के पढ़िए और एट द एंड ऑफ सेशन आप CBSE के टॉपर्स में अपना नाम काउंट कराइए। थैंक यू वेरी मच। आई एम योर टीचर सिद्धार्थ पाठक, साइंस टीचर एंड मैथ्स टीचर फ्रॉम शिवालिक अकेडमी। थैंक यू।